हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस, दिस इज क्लास नंबर फिफ्थ ऑफ जेआरएफ विनर बैच फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम। इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी रिसेंट ट्रेंड के बेस पे जो क्वेश्चंस रहे हैं उनको आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चार क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा तो देख लीजिए। इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो आप स्टार्टिंग की चार क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आप सभी के लिए। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये 4 नहीं 5 हो गया है, अभी मैं इसको चेंज कर दूंगा। पीपीटी का जो पेज है काफ़ी पुराना है ये। ओके तो गाइस देखिए, मैंने एक आज वीडियो बनाई थी मॉर्निंग में जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट करने के बाद क्या जॉब नहीं लगती। तो गाइस ऐसा नहीं है, 5 ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी नेट पास कर लिया है तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। डेफिनेटली इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, सो इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हो, इनके जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट PDF होती है उसको भी मैं शेयर करता रहता हूँ, सो आप इन सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहते हो पेपर 1 की, तो गाइज मैंने जो भी ऑल 10 यूनिट्स के जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं इनको मैंने कम्प्लीटली फ्री में कवर किया हुआ है यूट्यूब पर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज 2024 करके, ये इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करके भी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट को करने के बाद जो आपके एवरग्रीन टॉपिक हैं ऑल 10 यूनिट्स के वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। सो गाइज लेट्स प्रैक्टिस PYQs। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAAC वॉज इस्टेब्लिश इन 1994, 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, किसने इसको इस्टेब्लिश किया था? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का स्थापना 1994 में किसकी गई थी, किसने की थी? UGC, AICTE, NCERT और DEC। तो गाइज देखो, जो NAAC है इसकी स्थापना की थी UGC ने, सो UGC दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश इन 1994 बाई UGC ऑफ इंडिया। UGC इज स्टैचुटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NAAC इज एन ऑटोनोमस बॉडी, याद रखना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, जैसे अभी पूछ लिया कि NAAC को किसने इस्टेब्लिश किया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ लें कि कब इस्टेब्लिश किया गया, या ये भी पूछ सकते हैं कि NAAC जो है वो ऑटोनोमस है या स्टेचुटरी बॉडी किस तरह की बॉडी है। सो NAAC जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है विद टास्क विद इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड प्रोवाइडिंग एक्रीडेशन बेस्ड ऑन इट्स असेसमेंट। तो ये जो है UGC ने इसको इस्टेब्लिश किया था, समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? इसका काम क्या है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है और उसके मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान करना है। अब देखो गाइस, जो UGC है ना वो इतने ज़्यादा फंक्शन करती है, इतने बड़े लेवल पे काम करती है, इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस वजह से UGC क्या क्या काम कर लेगी अकेले, इस वजह से UGC ने NAAC को बनाया था अपने अंडर, एक तरीके से एक बॉडी बना दी थी जिसका काम क्या था, एक्रीडेशन करना और इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस को जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो आपको NCERT के बारे में पता होगा, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके। AICTE की फुल फॉर्म पता होगी आपको, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन करके, है ना। DEC क्या है, इसकी फुल फॉर्म किसी को पता है? तो मैं इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ, अगर नहीं पता DEC क्या है। DEC की फुल फॉर्म है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ये डिस्टेंस मोड में जो एजुकेशन होती है उसके लिए इसको बनाया गया है। इट इज ए स्टैचुटरी, मतलब इसको गवर्नमेंट ने बनाया एक्ट बना करके, उसको स्टैचुटरी कहते हैं। इट इज ए स्टैचुटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL इन इंडिया। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1980, 1985 में जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच कमेटी और कमीशन रिकमेंडेड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS। ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मैंशन है, आपको पता होगा पेपर 1 के पहले यूनिट में ही जो है ये मैंशन है। तो इस सिस्टम को किसने रिकमेंड किया था, किस कमीशन, किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी इसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑप्शन गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑफ यूजीसी, जस्टिस वर्मा कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन, राम मूर्ति कमेटी ऑन हायर एजुकेशन, चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन टीचर एजुकेशन। तो गाइस देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया रहा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, तो इससे इससे इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचा जा सकता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा हर क्लास में बताता हूँ कि यूजीसी नेट एग्जाम में सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, बल्कि वहां पर आपको अपना दिमाग भी खोल के रखना है, अपना कॉमन सेंस भी लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा आपको ऐसा जरूरी नहीं है, बट कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है, थोड़ा सा अगर आप एक्टिव होकर बैठोगे एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन का आंसर सही लगा के आ जाओगे। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस क्रेडिट सिस्टम को हायर एजुकेशन में कौन सी कमेटी कमीशन ने इम्प्लीमेंट कराया था, किसने रिकमेंड कराया था। तो क्या है ये, कौन सा सिस्टम है ये, एजुकेशन से रिलेटेड सिस्टम है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड सिस्टम है। तो ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड तो नहीं हो सकता है ना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ऐसे ये है टीचर एजुकेशन, ये भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो भाई। ये जो कमेटी कमीशन बने वो टीचर एजुकेशन के लिए बने हैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी है, अब इसमें से ही आपको आंसर लगाना है। इस क्वेश्चन में अगर आपको आइडिया नहीं है कि आंसर क्या है, तो भी अब देखो, अब आपके 50-50% चांस हो चुके हो गए हैं कि आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो आप ए लगाओगे या तो आप सी लगाओगे, इसमें से कोई एक लगाओगे तो 50% चांस होंगे कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए एग्जाम में। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ मेहनत सही नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क भी करना है, कहीं कहीं पर तुक्का भी लगा देना है आपको, थोड़ा दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के थोड़ा तुक्का लगाओगे तो भी दो चार क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो गाइज इसका आंसर जो होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी ऑन द ऑफ द यूजीसी। अब इसमें भी आपको इस आंसर को पता लगा, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर एकेडमिक रिफॉर्म की बात की जा रही है। अब एकेडमिक रिफॉर्म कैसे होगा, एकेडमिक रिफॉर्म तो ये होगा ना कि जिस तरीके से बच्चों का जो इवेल्युएशन किया जाता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो लाया गया, वो क्या है, वो इवेल्युएशन के करने के तरीकों में से एक है ना। तो ये क्या एकेडमिक रिफॉर्म किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है दैट विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो एग्जाम में आप दो चार क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करके आएंगे। सो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी जो है, इसने रिकमेंड किया था इसको, दिस सिस्टम प्रोवाइड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, जैसे कि कोर हो गया, इलेक्टिव हो गया, और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज हो गए। इट इज लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, हियर क्रेडिट इज जस्ट अ यूनिट टू मेजर द कोर्स वर्क। तो गाइज क्या बोला जा रहा है कि जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो वहाँ पे आपको चॉइस दी जाती है, आपको पता होगा आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, या किसी भी सेमेस्टर में, या अप्रोक्स हर सेमेस्टर में आपको चॉइस दी जाती है। आपके पास छः सब्जेक्ट होते हैं, आपके पास सिक्स सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे, आपको उसमें से कोई चार चुनने होंगे, ठीक है। दो स्टार्टिंग के जो है कंपलसरी होते हैं, देन उसके बाद जो नेक्स्ट दो होते हैं उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आपको इसमें से क्या चुनना है। तो इस तरह की चॉइस दी जाती है स्टूडेंट्स को, ताकि वो खुद उस चीज़ को चुन सकें और उसका उसकी स्टडी कर सकें, है ना। सो यह प्रणाली छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम, जैसे कोर हो गया, वैकल्पिक या लघु सॉफ्ट स्किल में से चयन करने का विकल्प प्रदान करती है। एक शिक्षा केंद्रित दृष्टिकोण है, यह क्रेडिट केवल पाठ्यक्रम को मापने के लिए इकाई है। तो ये क्या है, CBCS जो है काफी अच्छा सिस्टम रहा है, और स्टूडेंट्स जो डेफिनेटली इसको एंजॉय करते हैं पढ़ते समय। इसके अलावा जो अदर दो कमेटी मैंने बताई हैं, जैसे जस्टिस वर्मा कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन है, तो इसको 1966 में बनाया गया था। इसका मतलब, इसका मेन पर्पज था क्वालिटी एनहांसमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड था, क्योंकि उसी के ऊपर इसको बनाया गया था। ऐसी राम मूर्ति कमेटी है ऑन हायर एजुकेशन, 1986 में बनी थी। NEP रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आचार्य राम मूर्ति, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था, 1986 में आई थी ना NEP। चट्टोपाध्याय कमेटी ऑन टीचर एजुकेशन 1983-85, टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये भी टीचर से रिलेटेड ही थी, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड थी, है ना। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। एन इंस्टीट्यूशन डिजायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, अगर कोई इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहता है स्टेटस पाने के लिए, तो दैट मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर द एटलीस्ट, कितने ईयर का उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 या 25 विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने की इच्छुक संस्था को कम से कम अस्तित्व होना चाहिए, कितने साल तक जो है उसको अस्तित्व में रहने के बाद वो सम विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन कर सकती है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन कर सकती है। आपने देखा होगा इंडिया में किस तरह की यूनिवर्सिटी है, तो देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, फिर आती है स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर आती है आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये आपकी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो गई, और इसके अलावा फिर आती है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये चार यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं, अभी इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटी भी आने वाली हैं कुछ डेज में, कुछ मंथ में या कुछ ईयर्स में जो है, तो आपको
फॉरेन यूनिवर्सिटी भी इंडिया में देखने को मिल जाएगी, उनका कैंपस देखने को मिल जाएगा। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन यूनिवर्सिटीज वर्किंग एट वेरी हाई स्टैंडर्ड इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी एज एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूजीसी। यूजीसी रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को कि भाई इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए। इंस्टीट्यूशन दैट आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इंजॉय द अकेडमिक स्टेटस एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ यूनिवर्सिटी बट दीज इंस्टीट्यूशन आर नॉट फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं होते हैं, बट एक दर्जा दे दिया गया उनको यूनिवर्सिटी का। और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैज फुल ऑटोनॉमी इन कोर्सेज, सिलेबस हो गया, एडमिशन हो गया एंड फीस हो गई। तो सभी चीज़ों पर जो कंट्रोल है वो इस यूनिवर्सिटी का होता है कि भाई किस तरीके से आपको करना है आप अपने आप से करो। ठीक है, तो क्या किस किस चीज़ पर कंट्रोल होता है? डीम्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम हो गया, प्रवेश हो गया, फीस हो गई, सभी पे जो है इनकी स्वायत्तता होती है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को लेक्चर कैसे लगते हैं प्लीज जाना आप लोग कमेंट करके बताया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है, गंदी लगती है। आप लोग कमेंट कर दिया करो। आप लोग क्लासेस देखते हो, लेक्चर अटेंड करते हो, कमेंट करने से क्या होता है आपके फीडबैक से मोटिवेशन मिलती है। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आएगी? आपके कमेंट से आएगी। कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, कमेंट कर देते हो तो अच्छा लगता है और मैं भी आपको ट्राई करता हूँ कि रिप्लाई कर दिया करो, है ना। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो। और इसके अलावा एक काम और मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप जिस भी ग्रुप में आप ऐड होते हैं हर जगह शेयर कर दिया करो लेक्चर्स को, हर जगह शेयर कर दो लेक्चर्स को। उल्टे सीधे वीडियोस आप बहुत शेयर करते हो, बड़ी जो पढ़ाई वाले वीडियोस होते हैं इनको शेयर ही नहीं करते, तो यहाँ से भी एक डिमोटिवेशन आ जाती है। तो ना आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करो जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो। कोई फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहा है यूजीसी नेट की, उनके साथ इस इन वीडियोज को जरूर शेयर किया करो। ओके, तो गाइस क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी के लिए इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट बोला गया है। ठीक है, तो देखो इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1956 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही बोला जा रहा है, सही है। इट इज टास्क विद प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हायर एजुकेशन। ठीक है, इट रिसीव प्लान एंड नॉन प्लान फंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड करती है इसको। ठीक है, ये भी सही है। इट रिसीव फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो ये गाइस सही नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसको फंड नहीं करती है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो ऑप्शन नंबर डी है जो है यहाँ पर जो नॉट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर फोर, दैट इज यूजीसी डज नॉट रिसीव एनी फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो है फंडिंग कौन करता है? स्टेट यूनिवर्सिटीज की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, प्लस यूजीसी भी कुछ फंड देती है, प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी खुद भी कुछ ना कुछ फंड अर्न करती है क्योंकि वो भी तो बच्चों से फीस लेते हैं ना। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी तो बच्चों से फीस लेते हैं, खुद की अर्निंग भी होती है। यूजीसी भी कुछ पैसे देती है, कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इन सबसे मिला करके जो है स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग चलती रहती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर चीजें होती हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजीसी वॉज स्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे यूजीसी को स्टेब्लिश किया गया था? ये तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा। पता है तो फटाफट से कमेंट कर दो अगर आपको पता था इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन क्या है? यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, एस राधा कृष्णन, मुदलियार कमीशन या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो किसके रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई थी? सो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप इन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन टू रिपोर्ट ऑन इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन दैट माइट बी डिजायरेबल टू सूट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री। तो ये जो है एक कमीशन बनाया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन करके, जिसको 1948 में सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैन। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो क्योंकि ऑप्शन में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के दो सही आंसर हो सकते हैं। आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि किसी क्वेश्चन के दो सही आंसर सर क्यों है। तो किसी भी क्वेश्चन के दो सही आंसर हो सकते हैं, ऐसा एनटीए ने कई बार आपने देखा भी होगा जब आपने आंसर की चेक करी होगी पिछले साल जो आई थी, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनके दो राइट आंसर हो सकते हैं और आप दोनों पे क्लिक करिए दोनों के मार्क्स मिलेंगे। मतलब कोई भी क्लिक कर दो आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा यूजीसी वॉज फॉर्मली इनोग्रेटेड बाय द लेट श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उस टाइम पर,
ठीक है, 28 दिसंबर 1953 की बात है, जबकि यूजीसी जो है फॉर्मली स्टेब्लिश कब कब किया गया, 1956 में स्टेचुरी बॉडी बनाई गई, मतलब इसका एक्ट बना दिया गया इसके गवर्नमेंट की तरफ से, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो है इसको बनाया गया। स्टेचुरी बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जिसको एक्ट बना करके उसको स्टेब्लिश किया गया हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया गया, इसका मतलब क्या हो, स्टेचुरी एक संवैधानिक बॉडी हो गई, एक वैधानिक बॉडी कहते हैं उसको, है ना। तो इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूजीसी को औपचारिक रूप से 1956 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार ने जो है इसको एक एक्ट बना करके स्टैब्लिश करा दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाया गया था। चीजें क्लियर हो गई आपको, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन जो कि आप सभी को आंसर करना है कॉमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर सही करते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करो, नहीं पता तो जाओ पहले गूगल करो, ये नहीं कि दूसरे का आंसर पढ़ने लग जाओ कि दूसरे बच्चों ने क्या कमेंट किया, नहीं जाओ जाके गूगल करो। गूगल करने से ये होगा कि आपको ये तो पता चलेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इंडिया में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसका आंसर तो पता चलेगा ही चलेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पता चलेंगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ओल्डेस्ट सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया की कौन सी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको गूगल करने से पता चलेंगी। तो जाओ इस कंप्लीट कीवर्ड जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, इसको गूगल पे लिख करके सर्च करो और फिर कमेंट करने आना इस वीडियो के नीचे कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की। कमेंट सबको करना है, ये नहीं करना कि बस दूसरों के आंसर पढ़ लो चले गए, नहीं कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं एक आपके माइंड में और आपके लिखने में एक एक कनेक्शन होता है, जब आप किसी चीज को लिख देते हो तो वो चीज आपके माइंड में चिपक जाती है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बने तो उसका आप आंसर सही करके आओगे। तो पढ़ने से वो बात नहीं बनेगी जो कमेंट करने से बनेगी, मतलब जो लिखने से बनेगी, तो लिख दो फटाफट से अगर आपको पता है, नहीं पता तो गूगल करो, गूगल करने के बाद फिर यहाँ पर लिखने जरूर आना। कमेंट सबको करना है, जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं कमेंट कर दो फटाफट से कि इसका राइट आंसर क्या है, और फिर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं कमेंट करूंगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो ये थे गाइस आज की हमारी क्लास, और अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हो हमसे तो आप जाहिर विनर बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि जून 2024 और दिसंबर 2024 के लिए हमने स्टार्ट किया है। इसके अंदर, इस बैच के अंदर क्या कुछ मिलेगा, आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों, कंप्लीट सिलेबस को कवर किया हुआ है, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे तो इससे ये एडवांटेज रहेगा कि एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंग वाले इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, सो आप इस तरीके से जो आपकी तैयारी कर सकते हो, जैसे मैं आपको आज पढ़ा रहा था इस तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स को डिजाइन किया हुआ है। सो सिंपली करना क्या है, एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन और एग्जाम क्रैक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।